नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज असम के ढकुआ खाना, सौतिया और बोरचाला निर्वाचन क्षेत्र में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल और असम के चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित, गुवाहाटी में एक रैली में लेंगे हिस्सा। अहमदाबाद से पुणे के बीच चलने वाली दुरंतो ट्रेन के लिए आज से शुरू होगी बुकिंग, वेस्टर्न रेलवे ने दी है सौगात। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आज से होने वाली परीक्षाओं की तारीख में हुआ बदलाव, जारी हुई नई एग्जाम डेट, अब 3 अप्रैल को होगी परीक्षा। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए आज से नागपुर में फिर लगेगा लॉकडाउन, प्राइवेट ऑफिस रहेंगे बंद, जरूरी सेवाएं रहेगी जारी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं होगा आज दीक्षांत समारोह, बढ़ते कोरोना के कारण किया गया कार्यक्रम रद्द। यूपी में आज से होने वाली बीजेपी कार्य समिति की बैठक के लिए जारी की गई कार्य समिति के सदस्यों का नाम, संगठनात्मक समीक्षा के साथ ही चुनाव पर भी मंथन के लिए की जाएगी चर्चा। आज बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर से ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को करेगी संबोधित, पुरुलिया के रैली में भी होगी शामिल। आज के दिन ही 15 मार्च 1985 को इंटरनेट वेबसाइट के लिए पहला डोमेन नेम symbolic.com का पंजीकरण कराया गया था, जो कि इंटरनेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद व्हीलचेयर पर बैठकर बोली ममता बनर्जी, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, इससे बड़ा कोई दर्द नहीं, मैंने जीवन में काफी चोटें खाई हैं, लेकिन बंगाल के लोगों के दर्द से ज्यादा मेरा दर्द नहीं है। लखनऊ के बनवारी लाल कंझल को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष के तौर पर किया गया नियुक्त। उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दोनों भाई मिलकर नया समाज बनाएंगे। उधर बिहार के मंत्री मुकेश साहनी निषाद आरक्षण को लेकर अपने 4 विधायकों के साथ राज्यपाल से मिले। झारखंड के धनबाद नगर निगम DMC चुनाव की तैयारी में जुटी झामुमो, होली मिलन के बहाने शुरू की दावेदारी। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की मनमर्जी दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है, जहां सिंघू बॉर्डर पर आवागमन बंद करने के बाद ये टेंट की आड़ में पक्के मकान बनाकर सरकार को खुलेआम चुनौती दे दी है। चौटाला फैमिली में बढ़ा क्लेश, अभय चौटाला ने बड़े भाई अजय चौटाला के परिवार को दी एलनाबाद उपचुनाव लड़ने की चुनौती। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट द्वारा फेसबुक पर की गई पोस्ट से सियासी हलचल हुई तेज, भट्ट ने FB पर लिखा था, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए कांग्रेस का एक विधायक अपनी सीट छोड़ सकता है। MP के इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में MA, MCOM और MSc सहित अन्य PG कोर्स के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट 31 मार्च को किया जाएगा जारी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मिलने वाली मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में बनाए गए एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा कार्ड। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने को लेकर BJP का मंथन शुरू, कल भाजपा के कार्यकारी बैठक में हुई चर्चा। मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस ने सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाझे को किया गिरफ्तार, जिसके बाद कोर्ट ने 25 मार्च तक NIA की हिरासत में भेजा। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 775 नए मामले आए, 20 बच्चों के संक्रमित होने पर स्कूल को भी किया गया बंद। लुधियाना में गुपचुप तरीके से पहुंचे बिग बॉस 14 की विजेता रूबीना दिलेक और अभिनव, 2 दिन मस्ती करने के बाद लौटे मुंबई। आदित्य तारे के शतकीय पारी के साथ पृथ्वी शॉ की कप्तानी में मुंबई ने जीता विजय हजारे ट्रॉफी। यूपी के महुआ से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट, महुआ जनपद के तहसील कुलपहार के अंतर्गत ग्राम भरवरा के स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का किया गया आयोजन। यूपी के सुल्तानपुर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में 5 वरिष्ठ नेताओं को किया गया शामिल, सांसद मेनका संजय गांधी को बनाया गया विशेष आमंत्रित सदस्य। 3 कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर निकाली जा रही जागरूकता किसान रैली मेरठ से मुजफ्फरनगर होते हुए पीलीभीत पहुंची, जिसका जोरदार ढंग से किया गया स्वागत।
यूपी के सुल्तानपुर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। जिला उद्योग व्यापार मंडल के महासचिव समाज सेवी मोहम्मद इलियासी खान ने रोटरी क्लब की ओर से आयोजित टीकाकरण अभियान में कोरोना वैक्सीन टीका लगवाया और लोगों को संदेश दिया, बिना झिझक के लगवाएं टीका। यूपी के रामपुर से सानू खान की रिपोर्ट। सपा मुखिया अखिलेश यादव के रामपुर आते ही पुलिस ने जेल में बंद आजम खान पर कानूनी शिकंजा और कसा, जहां 11 और मुकदमों में चार्जशीट लगा दी है। आपको बता दें कि आजम खान पर पहले ही 75 मुकदमे चल रहे हैं। पंजाब के लुधियाना से महेश जैन की रिपोर्ट। लुधियाना के MLA बेंस भर के निर्माण मटेरियल घटिया होने पर ठेकेदार को लगाई फटकार। MP के छतरपुर लवकुश नगर से हेमंत सिरवास की रिपोर्ट। लवकुश नगर के समीप बिछौन में विराजमान क्षेत्र की प्रसिद्ध देवी मां कालका में समरसता भोजन का किया गया आयोजन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला सामाजिक समरसता प्रमुख डॉक्टर शिव पूजन अवस्थी द्वारा आयोजित किया गया ये कार्यक्रम। तो ये थी सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।